हेलो दोस्तों, हमारा न्यू वीडियो पे आपका स्वागत है। आज ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा। उस ऐप से अगर किसी दोस्त को एसएमएस भेजेगा तो वो दोस्त आपसे ज़रूर पूछेगा कौन सा ऐप से एसएमएस कर रहा है, उस ऐप का नाम क्या है। आप खुद देखेंगे तो आप भी बोलेगा जे ये ऐप पहले कहा था। चलिए व्हाट्सएप पर मैं थोड़ा बहुत एसएमएस करके दिखा देता हूँ कैसे होता है। अभी मैं हाई लिख के भेज देता हूँ, देखा कैसे हो गया। अभी लिखता हूँ क्या हाल है। तो दोस्तों, आप लोग को दिखाने के लिए मैंने लिख के दिखा रहा हूँ कैसे कैसे होता है। तो आप ना जितने एसएमएस करेगा उतना ही रंग चेंज होते जाएगा। चलिए मैं और थोड़ा बहुत करके दिखा देता हूँ आप लोग को। अभी लिखता हूँ क्या कर रही हो, देखा कलर चेंज हो गया। अब जितना बारी एसएमएस करेंगे ना उतना बारी कलर चेंज होता जाएगा, कभी कभी चेंज नहीं होगा। तो दोस्तों, इस ऐप का नाम है भोगलाई कीबोर्ड। इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए आपको जाना पड़ेगा प्ले स्टोर पे। चलिए मैं दिखा देता हूँ ये कौन सा ऐप था। ऐसे तो प्ले स्टोर पर बहुत भोगलाई कीबोर्ड का नाम का ऐप है, आप कैसे पहचानेगा ये कौन सा ऐप था। तो फिर चलिए प्ले स्टोर पर। तो फ्रेंड, आगे मोबाइल के स्क्रीन पे अभी आपको जाना पड़ेगा प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे जाके आपको लिखना है, अभी आपको लिखना है भोगलाई कीबोर्ड। हो रहा है दोस्तों। अभी आपको कोने वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। देखिए, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा, मैं भी ऐप चलाता हूँ। बहुत लोग मेरे को पूछता है कैसे करके एसएमएस भेजता है तू। ऐसे मैंने सबको ये ऐप दिखाया, मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाता हूँ, सबको भी पता चलेगा। तो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही है। अगर मेरा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय।